भोपाल एम्स के डायरेक्टर ने अपने 2 सालों के कार्यकाल की रिपोर्ट पेश की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि एम्स को लेकर लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ है। साल के अंत तक रोबोट के हाथों भी जटिल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 60 करोड़ की लागत से बने इस रोबोट को जल्द ही लाया जाएगा। डायरेक्टर अजय सिंह ने बताया कि नर्सिंग की सभी विधाओं में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। छात्रों को स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिम, कैफे, लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जा रही है। जल्द हार्ट और लंग्स क्लिनिक की भी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई गई है। मुझे बताते हुए खुशी है कि 60 करोड़ से ज्यादा के 2 रोबोट्स हम लोगों के लिए, एक आर्थोपेडिक से संबंधित और एक जनरल सर्जरी यूरोलॉजी से संबंधित है, वो हम लोग अभी प्रोक्योर करने की स्टेज में हैं। अभी तक रोबोट हमारे यहाँ पे एम्स भोपाल में अपने आप शुरुआत हमने नहीं किया है कि हमने कोई अभी सर्जरी नहीं की है। हम लोग प्रोक्योरमेंट की फेज़ में हैं और वो हम लोगों का प्रोक्योरमेंट 60 CR के 2 रोबोट हमारे सेंक्शन हो गए और वो प्रोसेस हैं प्रोक्योरमेंट में। रोबोट उनके उन बीमारियों के लिए, उन ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और समय का तो मैं ये नहीं कहूँगा कि समय कम लगता है, लेकिन प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो रोबोट से काफ़ी कम हो जाते हैं।